हे गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज से हमने भी डिसाइड कर लिया कि हम भी ब्लॉग बनाएंगे। अब मैं ब्लॉग के स्टार्ट में बता दूं कि मेरा नाम है साबिर खान और मैं बिहार के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। सो एजुकेशन की बात करें तो मैं अभी 12th सेकेंड ईयर फाइनल कर चुका हूँ। एंड गाइस, अभी मैं ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे पास कोई काम नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और आप लोग को पता होगा गाइस, कोई फ्री बैठा रहता है तो हर किसी का सोच होता है कि हम कुछ नया करें। तो आज से मेरा डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग आते रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे प्यार और सपोर्ट करोगे। और आप लोग को पता है कि जीवन में हर किसी को कुछ नया करने के लिए हर किसी का प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड, आप सब मेरे ऊपर प्यार बनाए रखना। और आगे बढ़ने के लिए हर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। तो मैं बता दूँ कि मैं भी कहाँ खड़ा हूँ। तो लगभग मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूर एक पोखरी है, जो कि उसके बाजू में जंगल है, वहीं पे मैं खड़ा हूँ। ये सड़क है पोखरी के इधर जाने का, सो गाइस यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और दिखा दूँ, ये सड़क सीधा पोखरी की तरफ जाती है, ऐसे घूम के सीधा पोखरी की तरफ जाती है। आगे से पोखरी के सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे बहुत सारे जंगल है, मैं सारा आपको घुमा के दिखाता हूँ। और बाजू में पोखरी भी है, जो कि मैंने बोला था आपको, ये पोखरी की रोड है, आगे से सीढ़ियाँ है, तो मैं वो सबको दिखाऊंगा आपको। और फाइनली गाइस, यहाँ पे लोग शाम के आते हैं बकरियाँ और भैंसी चराने, जैसे कि अभी भी कुछ बंदे भैंसियाँ यहाँ पे चराने आ चुके हैं। तो मैं सारा कुछ आपको दिखा देता हूँ। ये तो पहले ये जंगल है, इसके बाजू में खेत है और इधर ये जंगल है, वहाँ पे देखो वो पोखरियाँ हैं, जैसे कि अभी जैसा कि देख सकते हो पोखरियाँ, भैंसे भी नहा रही है, वहाँ से सीढ़ी है जो कि मैंने आपको बताया था, उधर से रास्ता है। और मेरा ब्लॉग सबसे हटके और सबसे अलग आएगा। अब आप लोग को पता ही होगा कि गांव का लोग कैसे होते हैं और गांव के ब्लॉग कैसे होते हैं और गांव की सारी चीज़ें कैसी होती है, खेत की हरियाली, पेड़ पौधे, यहाँ पे इतना मज़ा शहर के ब्लॉग देखने में नहीं आता है, उससे कई गुना ज़्यादा गाँव के ब्लॉग में आता है। क्योंकि गांव में एक तरह तरह के चीज़ें होती है, खेत की हरियाली होती है। तो गाइस, अंत में मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरे आने वाले ब्लॉग में कई अलग अलग गांव के नज़ारा दिखाऊंगा। तो गाइस, आप अभी देख सकते हो गांव की किस तरह से नज़ारा है। ये सूखी सूखी खेत, अभी तो इसमें धान लगे पड़े और कुछ खेत सूखी है, इधर चिमनी है और वो सब गाछ है, इधर पोखरी है। तो गाँव का नज़ारा आप देख सकते हो। और इस ज़मीन पे बहुत सारे जंगल जलमे हुए हैं, जिससे भैंसी बकरियां भी चरते हैं। और मेरे अगले ब्लॉग का वेट कीजिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।